आज 19 नवंबर से 25 नवंबर तक मध्य प्रदेश सरकार कौमी एकता सप्ताह और विश्व धरोहर सप्ताह मनाने जा रही है। कौमी एकता सप्ताह के तहत शांति, एकता, सद्भाव और राष्ट्रीय अखंडता का संदेश फैलाने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों की जाएंगी और 25 नवंबर झंडा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वहीं विश्व धरोहर सप्ताह के तहत राज्य के संग्रहालय और स्मारकों में 19 नवंबर को दर्शकों के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा। दरअसल राज्य शासन द्वारा प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी कौमी एकता सप्ताह 19 नवंबर से 25 नवंबर तक मनाया जाएगा। इस दौरान शांति, एकता, सद्भाव और राष्ट्रीय अखंडता का संदेश फैलाने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियां की जाएंगी। सप्ताह के अंतिम दिन 25 नवंबर झंडा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कौमी एकता सप्ताह मनाने संबंधी राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान नई दिल्ली द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। संस्थान द्वारा कौमी एकता सप्ताह के दौरान सांप्रदायिक, जातीय, आतंकवादी घटनाओं में जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनके कल्याण के लिए स्वैच्छिक आधार पर वित्तीय सहायता प्राप्त की जाती है। संस्थान द्वारा विभिन्न शासकीय विभागों को झंडे, पोस्टर्स, पैम्पलेट्स आदि भिजवाकर अधिक से अधिक वित्तीय सहायता का अनुरोध किया गया है।